नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। लोकसभा चुनाव 2019 की जंग में इस बार भोपाल की सीट हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। यहां जिन दो दिग्गजों का मुकाबला हो रहा है उनमें आपसी अदाव इस कदर गहरी है कि मुकाबला चरम पर पहुंच गया है। कांग्रेस ने यहां से मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा है। जवाब में भाजपा ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को टिकट देकर चौंकाया है। साध्वी प्रज्ञा आक्रामकता के साथ भावनात्मक अंदाज में भी प्रचार कर रही है। इसी ने कांग्रेस और दिग्विजय की चिंता बढ़ा दी है। साध्वी प्रज्ञा 2008 मालेगांव धमाके में आरोपी रह चुकी है और फिलहाल जमानत पर है। दिग्विजय पर वे कई गंभीर आरोप लगा चुकी है। अपने साथ हुई कथित ज्यादतियों के लिए उन्हें ही जिम्मेदार मानती है। साध्वी प्रज्ञा के मैदान में उतरते ही यहाँ की चुनावी जंग हिंदुत्व की हो गई। एक तरफ दिग्विजय का सॉफ्ट हिंदुत्व तो दूसरी तरफ साध्वी प्रज्ञा का हार्डलाइन हिंदुत्व। मुकाबला जबरदस्त हो चला है। पिछले कुछ समय से दिग्विजय मंदिरों की परिक्रमा कर रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से उतारने की चर्चा काफ़ी पहले से ही चल रही थी। माना जा रहा है कि इसके जरिए भाजपा और संघ मध्य प्रदेश में हिंदुत्व के मुद्दे पर अपनी खोई साख को दोबारा हासिल करना चाहती है। विधानसभा चुनाव 2018 में करीबी अंतर से मिली हार भाजपा और संघ भुला नहीं पा रही है। संघ के धुर विरोधी रहे दिग्विजय को हार का स्वाद चखाना चाहते हैं। कांग्रेस की मुश्किलें ये है कि वे भाजपा के हार्डलाइन हिंदुत्व का मुकाबला करने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं। खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका वाड्रा मंदिरों के दर्शन करते दिख रहे हैं। ये सिलसिला पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान ही शुरू हुआ था। खुद दिग्विजय भी इन दिनों राज्य में मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। खुद को हिंदू हितैषी साबित करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन इसमें कई खतरे भी हैं। कांग्रेस के इस स्टैंड से मुस्लिम वोटर पार्टी से छिटक सकते हैं, उधर हिंदू वोटर भी नाराज हो सकते हैं। यही बात कहीं दिग्विजय को भारी न पड़ जाए। भोपाल में 4 लाख से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। ये एक बड़ी संख्या है और कांग्रेस के लिए इसे नज़रअंदाज करना आसान नहीं होगा। सॉफ्ट हिंदुत्व का मुद्दा कांग्रेस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने चुनाव पूर्व बयान दिया था कि दिग्विजय जैसे बड़े नेताओं को भोपाल जैसी चुनौतीपूर्ण सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। वो भोपाल भाजपा का मजबूत गढ़ रहा है और पिछले करीब 25 सालों से भाजपा का उम्मीदवार ही संसद पहुँचता रहा है। इस बार कांग्रेस ने दिग्विजय पर दांव खेला तो भाजपा ने भी त्रुप का इक्का चल दिया। साध्वी प्रज्ञा को मैदान में उतारे जाने के साथ ही हिंदुत्व का मुद्दा उभर कर सामने आ गया। साथ ही दिग्विजय के पुराने बयान भी जिंदा हो उठे। भाजपा ने कहा कि ये दिग्विजय ही थे जिन्होंने सबसे पहले हिंदू आतंकवाद शब्द का उपयोग किया था। चुनाव प्रचार के दौरान दिग्विजय मंदिरों की भी परिक्रमा कर रहे हैं और एक तरह नरम हिंदुत्व के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन साध्वी प्रज्ञा का आक्रामक अंदाज और भावनात्मक प्रचार दिग्विजय के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।